आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 64। चैप्टर 64 अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है तो आप म्यूज़ जो है वो ले सकते हैं। उसके अंदर चैप्टर नंबर जो 7 है पेज नंबर 113 के ऊपर, उसके अंदर गाइडेंस के चैप्टर 64 और चैप्टर 67 के जो है वो मिक्सचर थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा प्रिसाइज करके, लेकिन पेपर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो चैप्टर 64 के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर सारे वाइवा के सवाल जो है ना इसके पहले पेज से लिए जाते हैं। मैं आपको सवाल भी बताती हूँ और उसके जवाब भी बताती हूँ। थोड़ी सी ये वाली वीडियो ध्यान से देखिएगा, इससे आपका वाइवा GIT का वाइवा जो है वो क्लियर हो सकता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री टेट के अंदर खाना जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ता है और बाद में जो है वो मिक्स किस तरीके से होता है। इसके अंदर वाइवा के कुछ सवाल हैं। तो पहला सवाल तो वो ये करते हैं कि हम खाना जो है वो लेते ही क्यों हैं, हम फूड को इंजेस्ट क्यों करते हैं। तो आगे से बच्चे बोल देते हैं कि हमें भूख लग रही होती है तो इसलिए जो हम खाना खाते हैं, जबकि जवाब जो है, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपने ये जवाब देना है कि जब आपका खाना जो है, जब आपका जो स्टमक है डिफिकेशन के बाद जब खाली हो जाता है तो उसको जब मजीद जो ब्लड जो है उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है तो आपके पेट के अंदर जो है वो स्पाइक्स कह लें या वेव्स कह लें, जो वेव्स बनती हैं कि स्टमक खाली है, और वो वेव्स जो है वो आपको एहसास दिलाती हैं, आपके ब्रेन तक ये पैगाम पहुँचाती हैं कि मैं खाली हूँ, अब इसमें खाना डालना है। तो आपने सिंपली ये कहना है कि जब आपका पेट खाली हो जाता है, सब कुछ डिफिकेट हो जाता है, तो उसके पेट के अंदर जो वेव्स जनरेट होती हैं वो आपको ये एहसास दिलाती हैं कि आपको भूख लग रही है, और उसको हम उसी रीज़न की वजह से हम जो फूड इंजेस्ट करते हैं। इसके दो रीज़न्स हमारे बेसिकली होते हैं, एक होता है हंगर, दूसरा होता है एपेटाइट। अब वही सवाल कर लेते हैं कि चलो हंगर और एपेटाइट के जो है वो बीच का डिफरेंस बताओ। तो दोनों में बच्चे कहते हैं हंगर भी एपेटाइट और भूख भी, और मतलब एपेटाइट हंगर भी भूख है और एपेटाइट भी भूख है। सॉरी, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी। तो आपने सिर्फ सिंपली एक चीज़ ये कहनी है कि हंगर के आगे आपने दो अल्फाज लगाने हैं, इंट्रिंसिक डिज़ायर, ठीक है। हंगर इज़ इंट्रिंसिक डिज़ायर ऑफ फूड, यानी वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि आपका स्टमक खाली है, उसके अंदर वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो हंगर इज़ इंट्रिंसिक डिज़ायर ऑफ फूड, वाइल एपेटाइट इज़ डिमांड ऑफ स्पेसिफिक फूड। एपेटाइट के आगे लिख लें डिमांड ऑफ स्पेसिफिक फूड। एपेटाइट वो चीज़ जब हम कहते हैं ना, मेरा दिल कर रहा है आज मैं गोलगप्पे खाऊं, मेरा दिल कर रहा है आज मैं चाट खाऊं, दैट इज़ कॉल्ड एपेटाइट, क्योंकि वो आप स्पेसिफिक चीज़ बता रहे हो ना कि मैंने यही खाना है, ठीक है। और हंगर इज़ समथिंग कि आप स्कूल से आए हो, आपको बहुत भूख लग रही हो, मम्मा जो भी बना है बस ले आए मुझे खाना है, वो भले दाल चावल चटनी कुछ भी हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ये आपके वाइवा के दो या बल्कि तीन सवाल जो है वो कवर हो गए। यहाँ पे एक चीज़ वो सिर्फ सिंपली ये पूछ लेते हैं कि जो आपके च्यूइंग के मसल्स होते हैं ना उनको कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि दीज मसल्स इनको कंट्रोल करता है, ब्रेन स्टेम के अंदर जो न्यूक्लियाई होता है वो कंट्रोल करता है, और इनर्वेशन जो मजबूत जो कह लें या जो काम करवाते हैं इनसे, जो आपके आसाब को कंट्रोल करता है वो होती है मोटर ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। मोटर ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व आपके मैस्टिकेशन के मसल्स को कंट्रोल करती हैं, जो कि ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई में होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा ये पॉइंट है टीथ के बारे में, ये बहुत कम आता है सवाल क्योंकि बहुत कॉमन सा, फिर भी इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आपके दांत जो है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हुए हैं कि आपके जो सामने वाले दांत हैं जिन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं वो चीज़ों को काटने में काम आते हैं, यानी जो आप निवाला या पेटीज वगैरह जो हम खाते हैं वो सामने के दांतों से काटते हैं, और फिर पीछे वाले दांत जिन्हें हम मोलर्स कहते हैं ना उनसे उसको जो है ग्राइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपके सामने वाले दांत हैं जिन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं वो कटिंग का काम करते हैं, अगर उनके साथ जो आपके जॉ के जो आपके मसल्स हैं वो उनके साथ मिलकर काम करें तो वो जब बंद होते हैं तो वो किसी चीज़ पर इतना प्रेशर डाल सकते हैं 55 पाउंड्स का कि उस चीज़ को तोड़ के चूरा कर दें। जैसे हम देखते हैं ना कुछ लोग बहुत ट्रेंड होते हैं ना, वो स्पेशल वीडियोस में हम देखते हैं वो दांतों से बड़ी भारी भारी चीज़ तोड़े होते हैं, तो वो प्रेशर आप भी जनरेट कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आपके जो आगे वाले दांत है 55 पाउंड का प्रेशर जो है किसी चीज़ पर जनरेट कर सकते हैं, जबकि आपके पीछे वाले दांत अगर किसी जॉ मतलब मसल्स के साथ वर्किंग है, वैसे नहीं मतलब अकेले वो क्या कर लेंगे, मसल्स के साथ मिलकर जब वो वर्क करते हैं तो 200 पाउंड का जनरेट प्रेशर जो है वो मोलर्स जो है वो किसी भी चीज़ पर जनरेट कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो अखरोट वगैरह अपने दांतों से इजीली तोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक रेटिकुलर एरियाज इन द ब्रेन स्टेम टेस्ट सेंटर्स विल कॉज रिदमिकल च्यूइंग मोमेंट्स। आपके जो रेटिकुलर एरियाज होते हैं ना ब्रेन स्टेम के अंदर, हमने अभी खुद ने पढ़ा कि ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो ये न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई जो होता है वो आपकी मोटर ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व के जरिए जो है वो आपके च्यूइंग मसल्स को जो है वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अभी कहना चाह रहा है कि अगर कुछ स्पेसिफिक रेडिकुलर ब्रेन स्टेम के कुछ स्पेसिफिक रेडिकुलर एरियाज पर अगर कोई ज़रा सी भी स्टिमुलेशन हो जाए तो च्यूइंग मूवमेंट जो है स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि अगर हाइपोथैलेमस एमिग्डाला या सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेंसरी एरियाज जो हैं उनके पास भी, यानी अगर आपको खुशबू आ गई या आपने कोई ऐसी चीज़ देख ली, जैसे हम बिरयानी की पिक्चर देख के हम सोचते हैं कि भाई आज तो बिरयानी खाएंगे, तो ये चीज़ भी आपके च्यूइंग प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। क्या टेस्ट और स्मेल कैन कॉज च्यूइंग, ठीक है। कहाँ पर स्टिमुलेशन एरियाज कौन से हैं अभी आप वो आपके पास ऑप्शन में BCQs में आ भी सकते हैं। स्टिमुलेशन एरियाज ऑफ हाइपोथैलेमस एमिग्डाला इवन सेरेब्रल कॉर्टेक्स नियर सेंसरी
एरियाज़ ऑफ टेस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। अगर इनके करीब करीब कहीं पे भी अगर आपने कोई चीज़ स्मेल कर लिया, चख ली ज़रा सी, तो आपका च्यूइंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब च्यूइंग प्रोसेस जो है, सॉरी मैंने डार्क कलर से थोड़ा कर दिया, आपको दिखा देते हैं जूम करके, यहाँ पर लिखा हुआ है च्यूइंग रिफ्लेक्स और ये लिखा हुआ है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। आपका च्यूइंग के प्रोसेस के अंदर, मेस्टिकेशन के प्रोसेस के अंदर दो रिफ्लेक्स काम कर रहे होते हैं। एक वर्ड यहाँ पे है जिसकी वजह से सब कन्फ्यूज़ होते हैं, इसका मैं आपको थोड़ी अभी समझा देती हूँ डिटेल। मच ऑफ द च्यूइंग प्रोसेस इज कॉज्ड बाय च्यूइंग रिफ्लेक्स, द प्रेजेंस ऑफ बोलस इन माउथ इन द माउथ एट फर्स्ट इनिशिएट रिफ्लेक्स इनहिबिशन। ये जो रिफ्लेक्स इनहिबिशन वाली बात है, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें च्यूइंग कब होती है, जब आपका जॉ, पहले के लिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि पहले आपका जो जॉ है, सॉरी